फेसबुक के बाद व्हाट्सएप के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब ऐप को कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जियो फोन में। तो चलिए गाइस ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए और मैं आपको कंप्लीट स्टेप दिखाऊंगा कैसे आप यूट्यूब ऐप को अपने जियो फोन 1 या जियो फोन 2 दोनों में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। और आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे यूट्यूब ऐप अपने मोबाइल में। तो चलिए हम लोग ये अपने जियो फोन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग अपने जियो फोन में आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग को जाना होगा सेटिंग में। जैसे आप सब जानते हैं सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में आपको देखना होगा कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन अप टू डेट है कि नहीं। चलिए सेटिंग में हम चल गए। उसके बाद आप देख सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी पर्सनलिटी, उसके बाद प्राइवेसी सिक्योरिटी स्टोर डिवाइस। तो डिवाइस में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो हम लोग को अपना नेट स्टार्ट करना होगा तो उसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेते हैं बेसिकली। तो हम लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हम लोग चल चुके हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ डिवाइस में। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और हम लोग चेक करेंगे तो मेरा डिवाइस जो है ऑलरेडी अप टू डेट है। तो आप देख सकते हैं डिवाइस इन्फॉर्मेशन में कि मेरा जो सॉफ्टवेयर वर्जन है काई ओएस 2.5 है। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो पहले आप ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए काई ओएस 2.5। और उसके बाद हम लोग बैक जाएंगे, उसके बाद हम लोग जियो स्टोर जाएंगे। जियो स्टोर आप कहाँ है खोजना होगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं जियो स्टोर हम लोग को मिल चुका है और इसमें हम लोग जाने वाले हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं जियो स्टोर खुल चुका है और इसमें आप देखेंगे यूट्यूब ऐप भी आ चुका है। जैसे कि आप गाइस आप देख सकते हैं ये यूट्यूब ऐप। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली इसमें इंस्टॉल में हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी इंस्टॉल होता है। तो ऑल राइट गाइस ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं और ओपन करने का जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब ऐप खुल गया है। और बेसिकली ये जो हम लोग स्मार्टफोन में वैसे ही देखने में है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले होम बटन है, उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स वाला जो आता है सेक्शन वो है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन में आप अपने ईमेल आईडी का साइन इन कर सकते हैं, तब जाके आपको भी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी चैनल को। और बेसिकली आप कोई भी वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं इतना ऊपर से आप देख सकते हैं सर्च बटन। तो जब सर्च आप करेंगे तो कोई भी टॉपिक को लेकर आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अपना चैनल आ गया है तो इसको हम लोग सर्च करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ही सर्च में हम लोग का अपना चैनल का लोगो मिल चुका है। तो चलिए इसको ही हम लोग प्ले करेंगे क्योंकि दूसरा वीडियो प्ले करेंगे तो कॉपीराइट लग सकता है। तो चलिए हम लोग इसको ही ओपन करते हैं जो पहला वीडियो है और लेट्स सी हम लोग इसको प्ले होता है कि नहीं। और इसमें हम लोग को प्ले ऑप्शन में क्लिक करना होगा बेसिकली। और देखता हूँ जैसे गाइस आप देख सकते हैं ये प्ले हो चुका है और ऐसा करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे आप इसको कर्सर तक ऊपर ले जाइए, देखिए डिस्क्लेमर चालू हो गया। इसको हम लोग पॉज कर देते फिलहाल। इससे आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसको जूम भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा जूम हो जाएगा पेज। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जूम हो गया, थोड़ा देर में लैंडस्केप भी हो गया। तो लैंडस्केप भी आपको करना आ गया होगा और इसको हम लोग बैक कर देते हैं फिलहाल, इसको हम लोग को देखना नहीं है। और ये बैक हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कर्जर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से तो सर्च कर सकते हैं आप जैसे कि जानते हैं। ये थ्री लाइन मेनू में आप ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं साइन इन कर सकते हैं, सेटिंग देख सकते हैं, प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं ऐप के बारे में, हेल्प। जैसे आप यूट्यूब ऐप अपने स्मार्टफोन में देखे होंगे वैसे ही सब ऑप्शन आपको मिल गया होगा। तो हम लोग इसको चलिए कैंसिल में क्लिक करते हैं और बेसिकली आपको सब कुछ मिल गया ऑलमोस्ट अपने जियो फोन में। और जितना भी ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आपको नॉर्मल फीचर फोन में नहीं मिलता, ये सब कुछ आपको जियो फोन में मिल गया है। तो अगर अभी तक आपने जियो फोन नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए क्योंकि ये इतना छोटा मोबाइल में सब कुछ आपको मिल जा रहा। तो YouTube का तो दिखा दिया मैं आपको क्या करना, आपको सब जानते ही होंगे, YouTube से ही ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सबको YouTube के बारे में पता ही होगा। तो ज़्यादा मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ ये आपको क्योंकि आपको सब पता होगा। गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले Facebook आया, उसके बाद आप देख सकते हैं
गूगल असिस्टेंस भी मिला हम लोग को, सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन का ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते होंगे व्हाट्सएप मिला, और उसके बाद अभी लास्ट में यूट्यूब। तो जितना ही पॉपुलर एप्लीकेशन जैसे जियोफोन ने बताया था कि मिलने वाला है, सब एप्लीकेशन आपको मिल चुका है। और इवन आपको फाइल मैनेजर भी मिल चुका है, अगर आपने अपडेट किया होगा तो आपको फाइल मैनेजर मिल चुका होगा। तो मेरा इसमें SD कार्ड तो है शायद, नहीं SD कार्ड, तो इसलिए SD कार्ड नहीं दिखा रहा। तो फाइल मैनेजर आपको ऐसे, फाइल मैनेजर आपको जियो स्टोर से नहीं मिलेगा। जैसे ही आप अपने वर्जन को, मतलब जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसको आप अपडेट करेंगे काय OS 2.5 में, तो आपको ये फाइल मैनेजर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद आप जियो स्टोर से व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा ये लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जियो फोन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत पहले ही आज जाना चाहिए था, बट कुछ रीज़न के लिए, कुछ इशू के लिए ये कुछ दिन बाद आया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो फुल्ली बग फ्री मिलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम लोग को सब कुछ मिल गया, बेसिकली जितना भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब कुछ मिल गया, फेसबुक मिल गया, गूगल असिस्टेंट मिल गया, उसके बाद हम लोग को मिल गया व्हाट्सएप, और इवन अभी मिल गया हम लोग को यूट्यूब। तो हम लोग अभी जियो फोन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, इवन आप अपना डेटा को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही न्यू लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको वीडियो बनाते रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होगा ये, मैं जब भी न्यू डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय फ्रेंड्स। We'll be right back.